खा गए शक्कर पी गए ते, जे देखो माफियन के खा गए शक्कर पी गए ते, जे देखो माफियन के गेहूं चावल पे लंबे जे पी गए ते लईते। भैया रो राम राम, हमें बुंदेली चूड़ी से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे बुंदेली चूड़ी देखा है तुम्हारे। माफिया हर क्षेत्र में है और बे राशन पे सबसे ज्यादा हावी है, गरीबन के हिस्सा को राशन गेहूं चावल खावे में लगे हैं। अब जो भारतपुर क्षेत्र को प्रमुख गांव नहीं है होते, नाथपुर में जाके वह गोली वोली चल गई थी, काय से भी राशन खा रहे थे और जो राशन को विरोध कर रहे थे कि तुम राशन काय खा रहे, गरीबन को काय बांट रहे, सो उनके ऊपर फर्जी 307 को केस लगवा था खुद पे गोली चला के। हालांकि अब जांच हुई है पता निकले, लेकिन 3 निर्दोषन के केस से फंसा था। अब उन खबर में बता रहे जाए भैया बक्सवा क्षेत्र की राहुल जैन सुनवा ने बताओ जो कि एक जगह पे 2 आदमी पकड़ गए थे राशन को ब्लैक कर भाई, सो उन्हें जेल भेजो गए। तो अभी मामला के लेकर प्रशासनिक अधिकारी जांच करे पहुंचे राशन दुकान पे, सो चल रही खबर के देख ले जो मामला है बक्सवा को, जहाँ पे राशन दुकान में अवैध कालाबाजारी की लगातार मामला और शिकायतें सामने आ रही हैं। वार्ड नंबर 1 से लेकर 8 तक को राशन ही दुकान से वितरण होते हैं और इतने कछु दिन पहले 18 जनवरी के तहसीलदार ने मुखबिर की सूचना पर ई दुकान को राशन ब्लैक हो जा रहा तो ये पकड़ लो तो मालवाहक छोटे वहाती पे है तो SDM तहसीलदार करण सिंह कौरव ने जब कार्रवाई करी थी वो आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दो। हालांकि बाद में सेल्समैन पटेलों के साथी हैं जमानत मिल गई, लेकिन एक बार फिर से पता चलो SDM के 700 बोरी अवैध राशन रखो है राशन दुकान में और बाकी ये तेको गायब है स्टॉक तपचीन की शिकायत भाई। तो ई के लेके कल शाम के SDM राहुल सलाड़िया इतने पे पहुंचे और उन्हें जांच कराई। हालांकि शिकायत के आधार पर राशन दुकान की जांच करी तो इतने पे अवैध कालाबाजारी तो फिलहाल नहीं मिली, लेकिन उन्हें संदेह हो तो इसे रिकॉर्ड को मिलान करने के लिए उन्हें निर्देश दिए और जब कई भी है कि रिकॉर्ड को मिलान करो जा रहा हूँ। सुन लो तरह तहसील SDM का कह रहे हैं मौखिक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी इस प्राथमिक उद्भोता खंडा, तो इस प्राथमिक उद्भोता भंडार का हमने निरीक्षण किया है। इसमें जो गेहूं की बोरियां और चावल की बोरियों की गिनती की जा रही है और इनके जो स्टॉक है उससे उसका मिलान किया जाएगा, उससे अगर अंतर पाया जाता है फिर आगामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर राशन की एक और चुकी दुकान संचालित है बक्सवाहा में, सारी दुकानों का स्टॉक चेक किए होगा या फिर इसी दुकान क्योंकि इसकी मौखिक शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी तो मैंने इसको चेक करा था। इस प्रकार की मौखिक शिकायतें या शिकायतें प्राप्त होती है तो अभी चेक की जाएगी। जा भैया तो अति खबर जो स्थिति है कि राशन दुकान पर होकर हो घपला। दूसरी खबर है भैया जहाँ बक्सवाहा की क्षेत्र की जहाँ पौड़ीहार में एक महिला को सब मिलो तो पुलिस ने खुलासा कर दो इस मामले को। 2 दिन पहले इनको खुलासा होगा, हम ये 2 दिन वाई से बता रहे हैं कि समाज की वह विवक्त तस्वीर भी देख लो जौन समाज में आज का पुलिस विभाग सम्मान नारी सम्मान से लेकर दुनिया के कार्यक्रम चला रही कि महिला की सुरक्षा उसाई मानो, लेकिन वो महिला के उनके पति और सास ने मेरे क्योंकि हत्या कर दी थी। कितना शर्मनाक पहलू है कि एक बहू के उनकी खुद सास मार दे, उनको पति मार दे, कैसी स्थिति है देख ले जा खबर। बक्सवा क्षेत्र के सुनबाह इलाके में पौड़ी के जखाहार के जंगल में 12 जनवरी की एक महिला को सब मिले तो 22 वर्षीय महिला की लाश नग्न हालत में मिली थी। ई के लेके उनकी पहचान सुषमा पति अरविंद बाल्मीक निवासी सुनबाह के रूप में भई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लो तो जब जांच करी SP सचिन शर्मा ने खुद घटनास्थल को निरीक्षण करके और ई के साक्ष्य जुटवाए तो लगो कि मामला बहुत गंभीर है। IG अनिल शर्मा और SP सचिन शर्मा के निर्देशन में जब इनकी जांच आगे बढ़ी और SDOP बड़ा मलेरा ने लगातार इनमें मॉनिटरिंग करके इनमें खाक छानी तो थाना प्रभारी शिवकांत दुबे के हाथ कछु ऐसे सबूत लगे कि ई अंधे कत्ल को पर्दाफाश होगा। साच की विवेचना और ये सब चीज़ को भाव तो इनमें देखो कि CCTV कैमरे के जो फुटेज देखे गए तो उनमें एक एक बिंदु पे ऊपर तलाश भाई और पता चलो कि सुषमा के पति अरविंद बाल्मीक और उनकी सास शीला बाई बाल्मीक ने ये मारो तो पता चलो जांच में कि इनको रोज ही लगाई से विवाद होकर तो और ई के लेके भी परेशान हो गए थे। 8 जनवरी के ये अरविंद और उनकी सास थी उनकी मताई शीला वाल्मीक ने इन्हें अपने रखवाली घर में खेत के टपरा पे भेज दो तो पे जाके ये गला दबा के की हत्या कर दी। हत्या के पे आत्महत्या और घटना में बदलवे खिलाने इनने उनके कपड़ा अस्त व्यस्त कर दे और उनको सब पौड़ी के जकार के जंगल में फेंक आए थे। एक खुलासा में पूरी अहम भूमिका शिवकांत दुबे धन सिंह लवानिया SI RC त्रिवेदी मलखान सिंह लक्ष्मण उपेंद्र कमलेश पूरी टीम की भूमिका रही।
का कह रहे थाना प्रभारी तक सुन ली पूरे मामला है। ग्राम पोड़ी के पास जखाहर जंगल में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो अर्धनग्न अवस्था में थी, जिसको थाने पर मौजूद सब इंस्पेक्टर नलवाया साहब और एएसआई त्रिवेदी या फोर्स द्वारा मौके पर जाकर के उसको देखा गया था और उसकी तस्दीक करते हुए उस महिला जो है सुषमा मेहतर उसका नाम जानकारी में आया और सुनवाहा की रहने वाली थी, जो करीब एक वर्ष से अरविंद मेहतर के साथ पत्नी के रूप में रह रहे थे। इसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान एसडीपी साहब भी मौके पर पधारे और उन्होंने दिशा निर्देश दिया इस संबंध में खुलासा करने के लिए, जिसके तारतम्य अपराध धारा 302 का पंजीबद्ध किया गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उसके साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, जिस पर से संदेह उसके परिजनों की ओर जा रहा था। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय सागर झोन सागर और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एसडीओपी साहब द्वारा लगातार इस मामले में मॉनिटरिंग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार इसको खुलासा करने के लिए मॉनिटरिंग हो रही थी, जिस पर से उसका पति अरविंद और उसकी जो मृतका की सास शीला भाई इन दोनों द्वारा हत्या की गई है। पहले उसके साथ घर में मारपीट की गई है उसकी सास द्वारा शीला भाई द्वारा, इसके बाद ये खेत पर जाती है, खेत पर इसके पति और सास दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद दोनों उसकी डेड बॉडी को ले जा करके करीब एक फल्लांग दूरी पर खुले स्थान में फेंका गया है। इस तरह साक्ष्य को छुपाया गया है, जो थाने की टीम सब इंस्पेक्टर नलवाया साहब एएसआई त्रिवेदी और शुक्ला जी द्वारा सभी के प्रयास से जो है उस अंधे कत्ल का खुलासा किया गया। डॉग स्क्वाड के द्वारा ये क्लियर हुआ क्या कि जो है इनके द्वारा ये कत्ल किया गया? एफएसएल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी पूरा देखा है मौके पर और जो दिशा निर्देश उनके आए हैं जो डायरी में लगे हुए। सर पूरे मामले में हत्या के कारण क्या रहे? हत्या के कारण यही रहे कि जो मृतक की दो पत्नियां थी, एक पत्नी पुरुष थी, उसने भी बताया है इस तरह कि लगातार वो मारपीट करता था इसके साथ और शराब पीने का आदि था। दिनांक को पानी भरने की बात पर से उस महिला ने मृतका ने पानी घर में नहीं भरा था, जिस कारण से उसकी सास ने उसके साथ मारपीट की और उसी बात को ले जाकर के खेत में जब गई तो उसी बात से झगड़ा हुआ और इस तरह का हत्या जैसे जघन्य अपराध का परिणाम हुआ। जय भैया हत्या के पाप छुपत नहीं है, चाहे जैसी को हत्या कर दे करा दे, जैसी बचत नहीं है आदमी बस ही जाए, चाहे तो सियानो बन जाए। स्वागत हम ले रहे हैं ऐसी खबरें हम ले आते हैं जयराम जी की।